30 साल 40 साल पहले ऐसा होता था कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आपको नौकरी मिलती थी, और आज हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है वह तेजी से बढ़ रही है, जो डिग्री है उसका जो मूल्य है वह भी आज उतना नहीं रहा है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। और इस विषय पर इसीलिए थोड़ा मौलिक रूप से पुनर्विचार करना यह आवश्यक हो गया। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारे बच्चे और शिक्षा प्रणाली। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग व्यसन मुक्ति तथा बाल मनोचिकित्सक हूँ। हमें पता है कि शिक्षा हमें भविष्य की तरफ लेके जाती है, और आज जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा लेके उनको जॉब मिलेंगी, फिर 60 साल बाद 65 साल बाद वो रिटायर होंगे। और हम ये भी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, नयापन आ रहा है। 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी यह भी हमें पता नहीं। और हम एक तरफ बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वह उनकी रिटायरमेंट, मतलब आज से 60 साल जो है वह ध्यान में रख के हम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें जो इनोवेशंस है उसे ये भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो जो शिक्षा है वह कई तो भी आउटडेटेड हो रही है, जो शिक्षा प्रणाली है वह आउटडेटेड हो रही है, और वो बच्चों को उतना महत्वपूर्ण साबित नहीं हो रही। हमें पता है कि बच्चों में जबरदस्त क्रिएटिविटी, प्रतिभा होती है, वह रिस्क लेते हैं, वह गलत होने से डरते नहीं है, और जो भी गलत होने से डरता है वह कुछ मौलिक ओरिजिनल कुछ कर नहीं सकता। वयस्क जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, ज़्यादातर वह रिस्क लेने को डरते हैं, गलत होने से डरते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि गलत होना अच्छी बात नहीं है। और एक स्टडी भी हुआ था, उसमें एक 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर वो स्टडी किया गया था, और उसमें ऐसा पाया गया था कि 98% जो बच्चे हैं उनका एक जो इंटेलिजेंस जो है वो एक जीनियस लेवल पे है, और वही बच्चे 5 साल के बाद जब वो स्कूल में जाने लगे उसके बाद फिर से स्टडी किया गया, जब बच्चों की उम्र 8 से 10 साल थी, तो वो जो एक जीनियस लेवल है वह 32% तक रह गई थी। तो फिर आपके मन में, हमारे मन में एक सवाल आना वाजवी है कि क्या जो स्कूल्स है, जो टीचर्स है, यह बच्चों की जो प्रतिभा है, जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर असर तो नहीं डाल रहे? आज पूरे विश्व में अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो यह पुरानी हो गई है, आउट ऑफ डेट हो गई है। 19वीं सदी के पहले जो औद्योगिकरण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसको ध्यान में रखते हुए इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था, और उसमें फिर साइंस, मैथ जैसे सब्जेक्ट जो थे उसको ज़्यादा महत्व दिया गया था। फिर भाषा का नंबर आता है, फिर आपका जो भाषा, मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे मराठी हो गई, हिंदी हो गई, या आपकी गुजराती है, जर्मन है, तो इस तरह की भाषा हो गई। फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स है उनका नंबर आता है, और फिर निचले पायदान पे आर्ट्स जैसे विषय हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया। तो एक मेरा सवाल है कि जैसे मैथ और साइंस इन सब्जेक्ट को हम रोज पढ़ाते हैं, तो उसी तरह बच्चों को हम म्यूजिक या स्पोर्ट्स यह रोज क्यों नहीं पढ़ाते? तो इसका एक सीधा सीधा जो उत्तर है वह यह है कि ये जो आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये जो विषय है, यह विषय इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो औद्योगिकरण को जो है, ये फायदा नहीं पहुंचाते, और इसीलिए बच्चों का जो इंटरेस्ट है डांस में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में नकारा गया है। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना पड़ता है। तो उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम उन बच्चों को उस तरह की जो शिक्षा है वह नहीं दे पा रहे जिनमें उनको इंटरेस्ट डेवलप हो। हम उस तरह की शिक्षा उन्हें दे रहे हैं जो उनको बोरिंग
लग रही है। हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलना, उसमें नयापन इनोवेशन लाना। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल सकते हैं, तो मतलब फिर किस तरह का मॉडल हमें लाना चाहिए। अगर हम हमारे देश की, हमारे भारत देश की अगर बात करते हैं, तो हमारा जो देश है यह कृषि प्रधान देश है, और हमारा जो शिक्षा का जो नया मॉडल है वह भी उसी के रिलेटेड होना चाहिए। तो फिर वह क्या हो सकता है? जैसे किसान हो गए, तो किसान को पता है कि जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वह अपने आप बढ़ते हैं। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है कि उनकी जो ग्रोथ के लिए जो आवश्यक जो स्थितियां है वह उनको देना, जैसे खाद हो गया, पानी हो गया। अगर आप उन पौधों को देते हैं तो वह पौधे अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। और उसी तरह अगर हम हमारे बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए उस तरह की स्थिति, उस तरह की कंडीशंस अगर हम तैयार करें और उस तरह की अच्छी कंडीशंस अगर हम उनको प्रदान करें, तो बच्चों की जो ग्रोथ है उनको कोई भी नहीं रोक सकता। बस जरूरी इतना है कि हमें जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको बदलना होगा, और उस बदल के साथ हम हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको हम एक नया जो दिशा है, एक नई दिशा हम दिखा सकते हैं। और ऐसी सिस्टम बनाना कि जो बच्चों का हित देखता हो, जो बच्चों के ऊपर फोकस करता, ताकि जो बच्चों की समस्याएं है, बच्चों की जो आत्महत्या है, बेरोजगारी है, तो उनकी समस्या जो है वह कम हो जाए और एक बच्चे जो है उनका जो भविष्य है वह उज्जवल हो जाए। इस विषय को आपके सामने रखने के लिए सर केन रॉबिन्सन, इनका एक ब्लू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। माय कंटेंशन इज ऑल किड्स हैव ट्रेमेंडस टैलेंट्स एंड वी स्क्वांडर देम। ये जो विषय था इससे कुछ मुद्दे लिए गए हैं और मुझे लगा कि इस विषय के ऊपर बात करनी चाहिए। हो सकता है कि इस विषय को लेके आपकी राय जो है ये अलग हो, और आपको क्या लगता है, आपकी जो राय है आपने जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप प्लीज लिखिए, इससे मदद होगी। और इसी तरह जो मानसिक स्वास्थ्य हो गया या बच्चे हैं उनको लेके हम नए नए वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारी वीडियोस जो है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में जो हमारा चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।